हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलॉम फील्ड ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज पॉजिटिव क्यू एंड चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट। बी कह रहा है कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज क्यू चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट। सी कह रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट। डी कह रहा है द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट इस पहला जो की कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा दैट इज एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, ठीक है, तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम दैट इज जे इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जे होता है एम आर क्रॉस बी एम आर क्रॉस बी। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा? दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा टॉर्क टाउ। क्या होता है? टाउ होता है डी जे बाई डी टी। ठीक है, जहां पर जे क्या है? जे इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो टॉर्क इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक कूलॉम फील्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव चार्ज क्यू एंड माइनस चार्ज क्यू। पॉजिटिव चार्ज क्यू फिक्स्ड है एंड उसके अराउंड नेगेटिव चार्ज क्यू एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे। सो अगर इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू होगा वो एक फोकस में रहेगा। ठीक है, लेट्स से कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये कुछ ऐसा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने से पहले हम पहले फाइंड कर लेंगे व्हाट इज द टॉर्क। ठीक है, सो यहाँ पर ठीक है फोर्स जो एक्ट करेगा, ठीक है, फोर्स जो एक्ट करेगा कूलॉम फोर्स, इसका डिरेक्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एंड रेडियस और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, आर आर किस डिरेक्शन में हो जाएगा? इस डिरेक्शन में हो जाएगा आर। ठीक है, सो क्या हो गया कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ठीक है, दिस इक्वल टू आर एफ सी। एफ सी क्या है? कूलॉम फोर्स। ठीक है, साइन ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एज दे आर अपोजिट टू इच अदर, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, सो टॉर्क एक्टिंग इज जीरो। ठीक है, अगर टॉर्क जीरो हो गया, ठीक है, अगर टॉर्क जीरो हो गया तो डी जे बाय डी टी इज जीरो। सो वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड। ठीक है, सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज क्यू इज कॉन्स्टेंट हम बोल सकते हैं। ठीक, दैट इज माइनस क्यू चार्ज के लिए एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि लेट्स से इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम बी नाम देते हैं। ठीक है, सो ए पॉइंट पर अगर वेलोसिटी, लेट्स से यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ठीक है, दिस इज वी वन एंड बी पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी होगा दैट इज वी टू। ठीक है, एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज लेट्स से आर टू एंड दिस इज आर वन हम मान लेते। ठीक है, तो क्या होगा एम लेट्स से मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज एम। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जर्व, सो एम वी वन आर वन शुड बी इक्वल्स टू एम वी टू आर टू। ठीक है, सो वी वन आर वन शुड बी इक्वल्स टू वी टू आर टू। ठीक है, सो क्या देखा कि वी वन आर वन इज इक्वल्स टू वी टू आर टू। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर टू इज लेस देन आर वन, आर टू इज लेस देन आर वन। ठीक है, तो इसको इक्वेशन वन बोलते हैं।
सो वन नंबर रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि अगर R2 R1 से कम होगा तो V1 सॉरी V2 क्या होगा, V2 V1 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही क्या होगा V1 R1 सॉरी V इक्वल्स टू V2 R2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज Q इज नॉट सेम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा कि द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है बिकॉज द रेडियस और कैन से डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज क्यू इज चेंजिंग। सी में बोला था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ना एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होता है वी बाय आर। ठीक है, बट हमने क्या देखा कि V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2। ठीक है, सो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट वन देखें तो ये क्या हो जाएगा V1 बाई R1। ओके, एंड एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट टू हो जाएगा V2 बाई R2। ठीक है, एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि R2 इज लेस एंड V2 इज ग्रेटर। ठीक है, सो R2 इज लेस एंड V2 इज ग्रेटर। ठीक है, सो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन ओमेगा 1। ठीक है, क्योंकि R1 इज ग्रेटर बट V1 इज लेसर। ठीक है, तो ये ओमेगा 1 छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो एट बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है ठीक है, व्हिच इज क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज क्यू, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा, सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द माइनस चार्ज क्यू इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी में बोल रहे थे लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाउ हमने क्या देखा था कि V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स बी पॉइंट पे ज्यादा वेलोसिटी होगा एंड लीनियर मोमेंटम क्या था, P इज जो P2 है एट पॉइंट बी MV2, P1 में MV1, P1 क्या है MV1। ठीक है, अगर V2 ज्यादा होगा V1 से सो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ठीक है, सो एंड लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।